आज बनाएंगे खस्ता नमकीन लेयर वाले डिजाइनर नमक पारे। ये डिजाइन कुछ हद तक देखने में हाथ के पंजे के सेब जैसी लगती है। ये नमक पारे देखने में जितने अट्रैक्टिव है उतने ये खाने में टेस्टी है। ये देखिए ये कितना खस्ता है, इसकी हर लेयर अलग अलग हो जा रही है। इसकी आप आवाज सुनिए, कितने क्रिस्पी नमक पारे बने हैं। इनको आपको मैं फॉक से रब करके सुनाती हूँ। देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी है, इसके डिजाइन तो वाकई में बहुत ही शानदार है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सीमा फूड हट। तो चलिए फिर इस लेयर वाली डिजाइनर नमक पारे को बनाना शुरू करते हैं। इनको बनाने के लिए बाउल में डालेंगे 1 कप मैदा। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच कलौंजी या मंगरेला, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, थोड़े से कस्तूरी मेथी, 1 छोटी चम्मच नमक और मोइन के लिए 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है तो हल्का गुनगुना पानी डालकर इसका टाइट डो बनाएंगे। मैदा में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंदेंगे, नहीं तो अगर डो सॉफ्ट हो गया तो लेयर अच्छे से नहीं खुलेगी। ये अब मैं टाइट डो बना ली हूँ। अब इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। अब 5 मिनट हो गए हैं तो इन्हें फिर से थोड़ा गूंद लेते हैं। ये देखिए अभी भी डो कितना सख्त है। इसे किचन प्लेटफॉर्म पे इस तरह से लंबा करके 2 भागों में कर लेंगे। अब 1 भाग को लेकर हाथों से दबा दबा के चिकना कर लेंगे। इसे अब रोटी जैसा पतला जितना बड़ा हो सके चारों तरफ से घुमा घुमा के बेलेंगे। मैदा का डो बहुत ही सख्त है इसलिए इसे चारों तरफ से एक समान ढंग से घुमा घुमा के बेलेंगे। तो ये देखिए इसकी थिकनेस रोटी जैसी पतली होनी चाहिए। अब इस पर जमी हुई घी और मैदा की कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इस पर हाथों से चारों तरफ घी लगाएंगे। आपको घी जमी हुई लेनी है, अगर घी पिघली हुई हो तो घी को फ्रिज में रखकर जमा लें। अब इसके ऊपर मैदा की डस्टिंग करके हाथों से मिला देंगे। अब दोनों साइड से हाफ हाफ मोड़ेंगे, फिर से इस पर जमी हुई घी लगाएंगे और फिर से मैदा की डस्टिंग करके इसे हाथों से मिलाएंगे। अब दोनों ऊपर नीचे के साइड को बराबर बराबर हाफ हाफ मोड़ेंगे। अब ये स्क्वायर शेप में हो गया है। बहुत ही हल्के हाथों से इस पर बेलन चलाएंगे। अब इसे पलट देंगे और हल्के हाथों से थोड़ी सी इसे और बड़ी स्क्वायर शेप में अब बेल लेंगे। फिर से इस पर जमी हुई घी लगाएंगे और ऊपर से मैदा की डस्टिंग करके मिलाएंगे। अब इसे हाफ मोड़ देंगे, देख रहे हैं इसकी लेयर। अब इसे हल्के हाथों से घुमाकर रेक्टेंगल शेप में बेल लेंगे। इसे हमेशा हल्के हल्के हाथों से ही बेलना है, नहीं तो लेयर अच्छे से नहीं खुलेगी। जब इस तरह से रेक्टेंगल शेप में बन जाए तब इस पर फिर से घी लगाएंगे और फिर से मैदे की डस्टिंग करके मिलाएंगे। फिर से हाफ मोड़ देंगे। ये फोल्ड करने का ये अब लास्ट स्टेप है। अब हल्के हल्के हाथों से इसे बेलते हुए थोड़ा पतला करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने से टोटल इसमें 14 लेयर्स आते हैं। अब चाकू से इन्हें काट लेंगे। अब सेम प्रोसेस है दूसरे भाग की लोई को भी बेलकर फोल्ड कर शेप में बनाकर इसे भी काट लेंगे। अब इसे फ्राई करने से पहले इस तरह से इसके साइड को हल्के से अंगूठे से दबाकर चिपका लें। इसे बहुत ज़्यादा जोर से प्रेस नहीं करना है, नहीं तो ऑयल में जाने के बाद इसकी लेयर नहीं खुलेगी और हाथ के पंजे की डिज़ाइन नहीं बनेगी। अब ऑयल हल्का हल्का सा गर्म हो गया है तो इसमें नमक पारे को डाल देंगे। फ्लेम को अभी लो टू मीडियम पे रखेंगे। इसे हल्की हल्की फ्लेम पे ही फ्राई करना है। जब ये हल्की सी हो जाएगी तब कच्ची से इस तरह से जहाँ पर हमने अंगूठे से प्रेस किया था ना, वहाँ पर हल्के से हिलाएंगे इसे। ऐसा करने से फ्रेंड्स ये पंजे के शेप में आ जाएगा। इन्हें हमें गोल्डन कलर का क्रिस्पी सा फ्राई करना है। इन्हें अब उलटते पुलटते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। अब ये सुनहरे क्रिस्पी से हो गए हैं तो इन्हें अब निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी बचे हुए को भी गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। तो एक लॉट छानने में लगभग फ्रेंड्स यहाँ पर 10 से 12 मिनट का समय लग जाता है। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें तभी नमक पारे खस्ता बनेंगे। ये देखिए ये अब बहुत अच्छे से अब गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं तो इन्हें अब निकाल लेंगे। अब सारे नमक पारे फ्राई हो गए हैं, ये देख रहे कितने क्रिस्पी हैं। इन्हें आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितना खस्ता बना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये हाथ के पंजे के डिजाइन में बने हुए नमक पारे हैं।
ये कितना छोटू सा क्यूट सा हाथ का पंजा जैसा दिख रहा है। इसे आप शाम की चाय या इस बार होली पर इस डिजाइनर नमक पारे को जरूर बनाएं। आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव को आपकी क्रिएटिविटी और इसका टेस्ट उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये डिजाइनर नमक पारे बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फ्लश हो रहा होगा, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।